हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार। तो स्वागत करते हैं आपका अपना ही चैनल जेनिथ टेक्निकल पॉइंट पे। दोस्तों, हम पिछले क्लासों में दोस्तों ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग की दूसरी क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़े थे ड्राइंग बोर्ड के बारे में। दोस्तों आज उससे आगे हम देखेंगे दोस्तों टी स्क्वायर। क्या देखेंगे दोस्तों? टी स्क्वायर। और एक चीज़ सबसे ज़रूरी बात मैं बता दूं दोस्तों, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वह है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हम दोस्तों कल पढ़े थे दोस्तों कि ड्राइंग बोर्ड में एक काली जैसी लेफ्ट साइड मतलब बाई और काली जैसी एक पट्टी बनी हुई होती है। ये चीज आप कल पढ़े होंगे दोस्तों। यदि मेरा कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप YouTube पे जाइए, सर्च मारिए दोस्तों, लिखिए वहां पे कि आपको लिखना है दोस्तों ड्राइंग किट। क्या लिखना है दोस्तों? ड्राइंग किट लिख सकते हैं, ड्राइंग किट। यदि ड्राइंग किट नहीं लिखने तो दूसरा भी लिख सकते हैं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों या तो ड्राइंग किट लिखिए या तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट लिखिए, आपका वीडियो खुल के आ जाएगा दोस्तों, उसमें आप ये चीज पढ़ सकते हैं। यदि कोई क्या नहीं पढ़े हो पिछले क्लासों में, पिछला वीडियो मेरा नहीं देखे दोस्तों, सबसे पहले जाके पिछली वीडियो को जाके देखिए दोस्तों। उसमें हम बताए हैं कि आपका ड्राइंग बोर्ड में लेफ्ट साइड में एक ब्लैक जैसा पट्टी बना हुआ होता है दोस्तों, ब्लैक जैसा पट्टी बना होता है, उसमें टी, उसमें जो टी स्क्वायर होता है वो फिट हो जाती है। टी स्क्वायर वहीं पे फिट हो जाती है, वो हमेशा लेफ्ट साइड बना हुआ होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये आपका टॉपिक है दोस्तों टी स्क्वायर। आज जो हम बताएंगे दोस्तों वो है टी स्क्वायर दोस्तों। तो टी स्क्वायर दोस्तों, यह आपको नाम से ही लग रहा है दोस्तों, यह अंग्रेजी के अक्षर टी के जैसा होता है, आपको बोर्ड में भी दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये आपका टी स्क्वायर है, ये आपका टी स्क्वायर है दोस्तों। तो यह दोस्तों देखने में ही लग रहा है क्या, यह अंग्रेजी के अक्षर टी के जैसा होता है। अब बात कर लेते हैं यह बना किसका होता है, समझ रहे दोस्तों? अब हम बात कर लेते हैं ये जो टी स्क्वायर है दोस्तों, ये आखिर में बना किसका होता है। ये जो टी स्क्वायर है आपके सामने बोर्ड पे जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो कि हाथ से बनाए हुए हैं दोस्तों, ठीक है, तो वो जो आपका टी स्क्वायर है वो बना किसका होता है, तो आप जान लीजिए दोस्तों, वो सागवान की लकड़ी। किसकी लकड़ी दोस्तों? सागवान। अब ये तो बहुत फेमस वाली चीज है वस्तु, है ना, लकड़ी ये क्या तो बहुत फेमस है दोस्तों। ये किसकी बनी होती है? सागवान की लकड़ी ले लीजिए, या ये प्लास्टिक की बनी होती है, समझ दोस्तों, या तो सागवान की लकड़ी की बनी होगी या तो प्लास्टिक की बनी होती है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये इसका कंस्ट्रक्शन, इसमें मुख्यतः दो भाग होते हैं। इसमें दोस्तों ये जो आपका टी स्क्वायर है दोस्तों, टी स्क्वायर, इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, इसके अन दो भाग होते हैं। एक देखिए दोस्तों, एक ये, इसको हम हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये जो भाग है दोस्तों इसे हम हेड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ये जो पहला भाग है दोस्तों इसे हम हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हेड बोलते हैं। और बचिए ये दूसरा भाग, इसमें दो भाग होते हैं दोस्तों। टी स्क्वायर में मुक्ता क्या, दो ही भाग होते हैं। पहला हेड, ये जो है दोस्तों ये यहां से यहां तक क्या है, ये हेड है दोस्तों। और ये दोस्तों ये आपका हो गया ब्लेड। क्या हो गया दोस्तों? ये आपका ब्लेड हो गया दोस्तों, ठीक है। इसमें दो भाग होते हैं, एक तो आपका हेड हो गया, दूसरा हो गया ब्लेड दोस्तों। अब देखिए ये जो दोस्तों होता है टी स्क्वायर, यह सेट होता है कितना डिग्री पे? ये 90 डिग्री पे सेट होता है। इसमें इसे सेट करने के लिए दोस्तों, इसमें दो, इसमें सेट, इसे सेट करने के लिए तीन चार पांच, जैसा स्क्रू से हुआ उस तरह से हम यहां पे सेट कर, या तो तीन स्क्रू से सेट करना है तो हम तीन स्क्रू यहां पे लगा के इसे क्या करेंगे, ठोक देंगे। यदि मान आपको कि चार स्क्रू से हम ठोके, अपना अपना करने का तजुर्बा, या तो आप पांच स्क्रू से इसे और बेहतरीन मजबूती से आप इसे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो सेट होगा दोस्तों, ये जो एंगल है, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। देखिए इधर 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री बन रहा है। ये जो एंगल बनेगा दोस्तों, ये आपको 90 डिग्री ही बनेगा, समझे। यदि आप
वहां पे क्या एंगल में थोड़ा टेढ़ा कर दिए तो 90 डिग्री नहीं बना, तो आपका टी स्क्वायर नहीं कहलाएगा और टी स्क्वायर वो गलत होगा दोस्तों। इसलिए हम पहले ही बता दें कि इसको जो सेट किया जाता है दोस्तों चार पांच स्क्रू से, तो इसे 90 डिग्री में है सेट किया जाता है दोस्तों। ओके फ्रेंड, और एक चीज मैं और बता दूं, ये जो है दोस्तों टी स्क्वायर, इसकी ब्लेड की लंबाई, इसकी ब्लेड की लंबाई 500 mm से 1500 mm के बीच में होती है। ये जो ब्लेड है दोस्तों, ये ब्लेड, इस ब्लेड की लंबाई दोस्तों मैं बता दूं, इस ब्लेड की लंबाई 500 mm से 1500 mm के बीच होती है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, इसमें एक चीज और जानने वाली बात है दोस्तों, वो क्या है, तो ये जो एंगल बताए दोस्तों, ये 90 डिग्री के एंगल में सेट किया जाता है, इसलिए इससे क्या दोस्तों हॉरिजेंटल, इसलिए इससे हॉरिजेंटल लाइन खींची जाती है, इससे सिर्फ क्या दोस्तों हॉरिजेंटल लाइन खींची जाती है। लेकिन इसके अलावा यदि इसमें सेट स्क्वायर, इसको चलाने के लिए एक और जो इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ता है दोस्तों, वो है आपका सेट स्क्वायर। वो क्या है दोस्तों, सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर लगाने से क्या होता है दोस्तों, यहां पे जितना भी, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे सेट स्क्वायर लगाकर, या स्केल का भी यूज कर लेते हैं वर्टिकल लाइन खींचने के लिए। ये तो सेट स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, लेकिन यदि यहीं पे हम क्या लगा दिए, एक स्केल लगा दिए, ठीक है, स्केल लगा दी यहां पे क्या दोस्तों, एक हम स्केल लगा दिए, या तो स्केल लगा दीजिए, या तो हम क्या लगा दे, सेट स्क्वायर लगा दे दोस्तों, क्या लगा दे दोस्तों, या तो हम सेट स्क्वायर लगा दे, तो क्या दोस्तों वो आपको वर्टिकल लाइन खींचने में मदद करती है दोस्तों, ठीक है। यदि सेट स्क्वायर ना लगाएं दोस्तों, तो यह क्या होगा, हम वर्टिकल लाइन नहीं खींच सकते, ये कहने का अर्थ है दोस्तों। तो इसमें आप जान लीजिए दोस्तों, इसमें यह जो लाइन कैसी लाइन खींचती है दोस्तों, टी स्क्वायर आपका, यह आपका हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज लाइन खींचती है। ओके फ्रेंड्स, और एक चीज मैं और बता दोस्तों, यह जो ड्राइंग बोर्ड हो, यह है, जितनी आपकी ड्राइंग बोर्ड की लंबाई होगी उतना ही इसके ब्लेड की लंबाई होगी दोस्तों। यह आपका ड्राइंग बोर्ड में ही फिट किया जाता है, यह जो आपका टी स्क्वायर है, यह आपको ड्राइंग बोर्ड में ही फिट किया जाता है दोस्तों। तो यह जितनी इसकी लंबाई, जितनी आपकी ड्राइंग बोर्ड की लंबाई होगी दोस्तों, उतनी आपका टी जो है दोस्तों, टी स्क्वायर में उतना ही आपका ब्लेड की लंबाई उतनी ही होगी। ओके फ्रेंड, क्लियर हो गया, यही चीज आपका बोर्ड पे हम लिख दिए हैं। कितना बच्चा, हम जब हम बोलते हैं दोस्तों तो वो सिर्फ सुनते हैं, ये तो अच्छी बात है, सुनना बहुत अच्छी बात है, हम चाहते भी हैं कि जब हम बोलें, जब हम समझाएं दोस्तों, तो आप सिर्फ समझने का कोशिश करें, उस टाइम लिखने का कोशिश ना करें दोस्तों, ठीक है। इसलिए हम इस यही जो भी चीज बोले हैं दोस्तों, वही चीज आपका ये बोर्ड पे लिखा गया है, आप इसे शॉर्ट स्क्रीन करके रख लें दोस्तों, या अन्यथा आप अपने इसे नोटबुक में नोट कर ले दोस्तों। सेम चीज जो भी हम बोले हैं सब इस पे लिखा हुआ है दोस्तों, जैसे हम देख ले सकते हैं दोस्तों, यह अंग्रेजी का अक्षर टी के जैसा होता है। दूसरी बात, यह सागवान लकड़ी या प्लास्टिक से बनाया जाता है दोस्तों। तीसरी बात, यह टी स्क्वायर के मुक्त दो भाग होते हैं, एक तो हेड होता है दोस्तों, दूसरा क्या हो जाता है आपका, दूसरा आपका ब्लेड हो जाता है दोस्तों। तीसरी बात देखिए, आगे बताएं दोस्तों, इसे 90 डिग्री पे सेट किया जाता है और 3 से 4-5 स्क्रू से इसे लगाकर 90 डिग्री पे सेट कर दिया जाता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, इसे इसके ब्लेड की लंबाई 500 mm से 1500 mm तक की लंबाई होती है दोस्तों। और देखिए आगे बोला गया है दोस्तों कि इसका प्रयोग करने के साथ साथ सेट स्क्वायर का प्रयोग होना भी अति आवश्यक है, अन्यथा दोस्तों अन्यथा कार्य नहीं हो पाएगी। अन्यथा क्या होगा दोस्तों, यदि हम सेट स्क्वायर का हम यूज नहीं किए तो वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कार्य नहीं होगा। मतलब आप सोचिए, हॉरिजॉन्टल लाइन तो आप खींच सकते हैं, समझ रहे हैं, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो आप खींच सकते हैं, लेकिन आपको वर्टिकल लाइन खींचने के लिए सेट स्क्वायर लेना ही पड़ेगा दोस्तों। इसलिए सिर्फ टी स्क्वायर से हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, इसलिए इसे इसके साथ साथ हम सेट स्क्वायर का भी यूज करते हैं, किस लिए, तो वर्टिकल लाइन खींचने के लिए दोस्तों। आप लोग ड्राइंग बनाएंगे, आपको खुद लग रहा होगा यस ये चीज सही है, ये चीज फैक्ट है, अन्यथा सिर्फ हम इसे वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, और सेट स्क्वायर लगाने से वर्टिकल लाइन भी हम खींच सकते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आगे इसमें से हम बता दिए कि
ड्राइंग शीट की हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और एक चीज, टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई, ड्राइंग बोर्ड जितनी लंबाई होगी उतना ही इसकी ब्लेड की लंबाई होगी दोस्तों। ये जो ब्लेड है यहां से यहां तक जितना आपकी ड्राइंग बोर्ड की लंबाई होगी उतना ही इसकी ब्लेड की लंबाई होगी दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अभी अब हम लोग देखें दोस्तों, अभी हम देखें टी स्क्वायर दोस्तों। यदि ये अच्छा लगा होगा दोस्तों, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप नीचे देखिए लाइक का ऑप्शन होगा दोस्तों, लाइक कर दें दोस्तों, और अच्छा लगे तो को कमेंट में भी कुछ लिख सकते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब टी स्क्वायर, अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों मिनी ड्राफ्टर। क्या दोस्तों देखते हैं इसके बाद हम मिनी ड्राफ्टर देखते हैं दोस्तों। मिनी ड्राफ्टर दोस्तों, मिनी ड्राफ्टर स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए दोस्तों टी स्क्वायर का आकार, मतलब लंबाई हम कैसे लेते हैं, टी स्क्वायर की लंबाई कितना कितना होता है। जैसे आप लोग पढ़े थे दोस्तों कि ड्राइंग बोर्ड में D0, D1, D2, उसी तरह दोस्तों इसमें भी है दोस्तों। इसमें भी क्या है दोस्तों, संख्या की बात कर लें, इसमें भी नंबर 1, 2, 3, 4। यदि हम इसमें पद की बात कर ले दोस्तों, तो वहां पे दोस्तों आपका होता था ड्राइंग बोर्ड। क्या होता था दोस्तों, वहां पे ड्राइंग बोर्ड होता था, ड्राइंग बोर्ड। इसमें होता है टी स्क्वायर, इसमें यही नाम, इसका नाम क्या है, वहां उसका नाम था ड्राइंग बोर्ड, इसका नाम है टी स्क्वायर। इसमें जो होगा दोस्तों, इसमें स्टार्ट होगा T0। क्या होगा दोस्तों, इसमें स्टार्ट T0, वहां पे D0 होता था, यहां पे T0 होगा दोस्तों। T0, T1, क्या दोस्तों, T1, T2 और T3। ओके फ्रेंड्स, और अभी हम बताएं दोस्तों, क्या बताएं आपको, एक चीज बताएं कि जो ड्राइंग क्या होता है, टी स्क्वायर होता है, वो ड्राइंग बोर्ड की लंबाई के अनुसार ही होता है। जितना आपका ड्राइंग बोर्ड की लंबाई होगी उतना ही आपका टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई भी उतनी होगी दोस्तों। यही चीज ना बोले हैं, यही चीज आपको समझाएं दोस्तों। तो दोस्तों आप ही बताइए कि T0 आपका कितना होगा। तो जैसे आपका टी क्या दोस्तों, D0 में आपका सोचिए लंबाई वहां पे क्या होता था, तो D0 में आपको लंबाई होता था दोस्तों 1500। याद है आपको क्या होता था दोस्तों, 1500। कल के वीडियो में हम बताएं दोस्तों पिछले क्लासों में कि D0 की लंबाई 1500, चौड़ाई 1000 और मोटाई 25 mm होती थी दोस्तों। उसी तरह दोस्तों ये भी, इसकी भी लंबाई जो होगी सब mm में होगी। तो दोस्तों जैसे आपका D0, D1, D2 होता था, उसी तरह इसमें दोस्तों T0 वहां क्या नाम था, ड्राइंग बोर्ड नाम था, इसलिए D वहां लेते थे, यहां पे ट्राई स्क्वायर नाम, इसलिए T ले रहे हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड, तो T0 इक्वल टू 1500, T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1000। समझ रहे हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, 1000। तो वहां पे D1 का 1700 और 25 होता था ना, क्या होता था ड्राइंग बोर्ड में, D1 बराबर होता था 1000, क्या होता था 1725 होता था, 25 mm, सब mm में दोस्तों, सब mm में होता था ना। उसी तरह देखिए अब इसमें, अब बात कर रहे थे T2 की, T2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 700 हो जाएगा ना, T2 क्या हो जाएगा, 700, और T3 आपका हो जाएगा 500 दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से होगा कि आप इस तरह से, आप यदि आपको याद है दोस्तों, यदि आपको ड्राइंग बोर्ड याद है तो आपको टी स्क्वायर की भी लंबाई, ब्लेड की लंबाई भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें देखिए एक चीज, अभी इससे पहले भी एक नोट लिखाए थे दोस्तों, उसमें टॉपिक में लिखाए थे कि इसकी लंबाई 1500 क्या 500 mm से 1500 mm तक होती है। देखिए आप ही देखिए दोस्तों, 500 mm से 1500 mm तक है ना, तो ये चीज आपको लिखा दिए थे दोस्तों वहां पे भी, इसकी लंबाई 500 mm से 1500 mm तक होती है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मिनी ड्राफ्टर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मिनी ड्राफ्टर। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए मिनी ड्राफ्टर। ओके फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, अब देखिए हम लोग देखते हैं दोस्तों मिनी ड्राफ्टर को। किसको दोस्तों, मिनी ड्राफ्टर को। जैसे आप ये पिक्चर दोस्तों, ये आपका मिनी ड्राफ्टर है, पिक्चर में जो फोटो है दोस्तों, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका मिनी ड्राफ्टर ही है। ओके फ्रेंड्स,
अब देखिए मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा यंत्र है जिसमें टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, स्केल सभी काम ये अकेला कर सकता है। क्या क्या चीज का काम ये अकेला कर सकता है दोस्तों? नंबर वन, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल, प्रोटेक्टर, ये चारों चीज का काम ये अकेला कर सकता है। और इसमें से ले सकते हैं टी, क्या दोस्तों? टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, स्केल, ये चारों का काम ये अकेला कर सकता है, इसलिए इसका नाम है मिनी ड्राफ्टर। सिर्फ ये अकेला ही, और कोई औजार लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप मिनी ड्राफ्टर खरीद लीजिए। ना आपको टी स्क्वायर लेना है, ना ही आपको प्रोटेक्टर लेना है, ना ही आपको स्केल लेना है, ना ही आपको सेट स्क्वायर लेना है, ये अकेला ही काम सबका कर देता है। तो वो कैसे कर देता है दोस्तों? देखिए इसमें मुक्ता, ये देखिए ये जो भाग है दोस्तों, ये आपका देखिए, इसको कसने या खोलने का है, समझ रहे हैं? ये आपको आपका जो है दोस्तों, ऊपर से नट ढक्कन जैसा रहेगा, उसको घुमाइएगा, कसिएगा, तो उसमें दोस्तों ये जो आपका है फाउंडेशन, ये आपका फिट होगा। कहाँ पे फिट होगा दोस्तों? ये आपका ड्राइंग बोर्ड में फिट होगा। जैसे आपका टी सेट फिट होता था ना, वो तो टी सेट क्या सिर्फ लेफ्ट साइड में ही आपका फिट होता था ना, जो टी क्या था, टी स्क्वायर दोस्तों था ना, टी स्क्वायर सिर्फ आपका लेफ्ट में ही फिट होता था। ये जो दोस्तों आपका है प्रोटेक्टर, मिनी प्रोटेक्टर दोस्तों, ये आपका कहीं भी ड्राइंग बोर्ड पे किसी कोने पे आप फिक्स कर सकते हो, किसी कोने पे आप लगा सकते हो दोस्तों, अपने सुविधा अनुसार आप इसका लगा के यूज कर सकते हैं। इसमें चारों काम ये अकेला कर सकता है। नंबर वन, जो आपका टी स्क्वायर काम करता है, जो आपका सेट स्क्वायर काम करता है, जो आपका स्केल काम करता है, जो आपका ये प्रोटेक्टर काम करता है, वो सबके जगह पे ये अकेला ही काम कर सकता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बात बताते हैं दोस्तों, ये जो यंत्र है दोस्तों, यह कहां पे फिट किया जाता है? यह आपके ड्राइंग बोर्ड पे फिट किया जाता है, क्लेम्प कर दिया जाता है दोस्तों, ड्राइंग बोर्ड पे ही इसे कस दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यह इसके दो, इसमें जो है दोस्तों, इनमें दो ग्रेजुएटर आर्म होते हैं, इसमें दो ग्रेजुएशन क्या होते हैं दोस्तों? आर्म मतलब भुजा होते हैं, इसमें दो ग्रेजुएशन भुजा होते हैं। देखिए एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया दोस्तों, इसी के अंदर है, ये देखिए पतली सी लाइन है, ये जो है ना दोस्तों, ये जो आपका है एक डंडा रहता है, डंडा आप इसे घुमा सकते हैं, इसको बाहर नीचे इधर उधर, इसको ढीला करके देखिए, ये जो है दोस्तों बॉल जैसा बना हुआ, ये आपका क्या है, एक ढक्कन जैसा रहता है दोस्तों, बोतल के ढक्कन जैसे घुमाइएगा तो ढीला हो जाएगा, जिधर घुमाने का एंगल है, जितना एंगल पे घुमाने का मन है उतना आप घुमा सकते हैं। इनमें से बहुत से फ्रेंड आप मिनी ड्राफ्टर यूज भी किए हैं दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं, नहीं तो आप सर्च मार के कहीं गूगल पे आप देख सकते हैं फोटो, मार्केट में जाके आप खरीद सकते हैं दोस्तों। इसका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज है दोस्तों, क्योंकि ये कोई चीज, ये खरीद लेने के बाद आपको कोई चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अकेला अकेला ही ये काम कर देता है, मात्र 100-150 रुपये में मिल जाएगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, कि इसमें जो दो भुजा होते हैं, दोनों पे ग्रेजुएशन बना हुआ होता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए दोस्तों, ये जो दोनों है, इसमें जो, जैसे आपको इसमें वर्टिकल लाइन खींचना है तो वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, इसमें यदि आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना चाह रहे हैं तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, इसमें आप विभिन्न एंगल पे, विभिन्न कोनों पे, देखिए इसमें प्रोटेक्टर भी लगा हुआ होता है, समझ रहे? इसमें देखिए चांदा, इसमें क्या दोस्तों, चांदा भी लगा होता है। देखिए यहां पे एंगल बना होता है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 180, 360 डिग्री तक इसमें बना हुआ होता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो आप जितना डिग्री पे आप लाइन खींचना चाहें, तिरछी लाइन, इंक्लाइंड लाइन खींचना चाहें दोस्तों, आप खींच सकते हैं इसकी सहायता से, 10 डिग्री, 5 डिग्री, मतलब 1 डिग्री, जितना भी डिग्री का आपको और इंक्लाइंड रेखा खींचनी हो, इंक्लाइंड लाइन खींचनी हो दोस्तों, तो आप इससे खींच सकते हैं दोस्तों। इसका सबसे अच्छी बात क्या लगा आपको दोस्तों? यह चारों काम ये अकेला कर देता है, समझ गए दोस्तों? इसमें चारों काम। अब सेट स्क्वायर का क्या काम है? तो जब सेट स्क्वायर पर आएंगे दोस्तों, तब हम सेट स्क्वायर के बारे में बता देंगे दोस्तों। तो ये आपका था मिनी ड्राफ्टर, इसके साथ क्या होता है दोस्तों, सेट स्क्वायर का प्रयोग नहीं किया जाता है,
इसके साथ दोस्तों सेट स्क्वायर का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह सेट स्क्वायर का काम खुद ब खुद कर देता है। समझ रहे हैं, यह सेट स्क्वायर का काम खुद कर सकता है, तो सेट स्क्वायर का प्रयोग करने की जरूरत ही क्या पड़ी। समझ रहे हैं दोस्तों, तो इसमें सेट स्क्वायर का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका क्या है दोस्तों, यह आपका मिनी ड्राफ्टर है। ओके फ्रेंड्स, मिनी ड्राफ्टर में देखिए जो चीज हम बोले दोस्तों, जो आपको बोले वो आपकी बोर्ड पे लिखा हुआ है दोस्तों, आप आराम से लिख करके एक बार क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए, उसके बाद फिर से वीडियो को देखिए दोस्तों दोबारा से, तो आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और यदि आप चलाए हो मिनी ड्राफ्टर तब तो बात ही कुछ अलग है, तब तो एक क्या सौ बात, जितना बात एक एक पॉइंट बात बोले हैं दोस्तों, सब आपको लगेगा एकदम हूबहू वही कार्य करता है जो हम मुख से बोल रहे हैं दोस्तों। तो समझिए दोस्तों, देखिए आपको लिखा गया दोस्तों, यह एक ऐसा यंत्र है, यंत्र तो है ही दोस्तों, ठीक है, जिसमें सेट स्क्वायर, क्या दोस्तों, सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल, प्रोटेक्टर के कार्य अकेला एक साथ पूरा कर सकता है। ये जो मिनी ड्राफ्टर है दोस्तों, ये अकेला कार्य कर सकता है, अकेला चारों काम, जैसे चार को काम है दोस्तों, सेट स्क्वायर, प्रोटी स्क्वायर, स्केल, प्रोटेक्टर, ये सारी काम पूरा एक साथ पूरा कर सकता है दोस्तों। यह एक यंत्र कहां पे क्लेम्प होता है दोस्तों, यह आपका यंत्र ड्राइंग बोर्ड पे क्लेम किया जाता है, ड्राइंग बोर्ड पे कसा जाता है दोस्तों, कहीं पे भी कस सकते हैं, ड्राइंग बोर्ड पे कहीं पे भी आप कस सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, और इसे एक दूसरे को, इसका ग्रेजुएशन दोस्तों, इसमें दो ग्रेजुएशन अलार्म होते हैं दोस्तों, एक तो ये आर्म हो गया, दूसरा ये आर्म हो गया दोस्तों, इसमें दो ग्रेजुएशन आर्म होते हैं, मतलब भुजा होते हैं दोस्तों, तो इसमें और दोनों भुजाओं को 90 डिग्री पे ही सेट किया जाता है, दोनों भुजाओं को 90 डिग्री पे ही सेट किया जाता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, और इसमें बात क्या बताए तो दोस्तों, इसके द्वारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाती है, इसके द्वारा दोस्तों, आपका नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है दोस्तों, इसके द्वारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींची जाती है। देखिए जो चीज हम बोले हैं वही आपका बोर्ड पे सेम टू सेम हूबहू लिखा हुआ है दोस्तों, इसलिए आप पहले समझने का कोशिश करें, यदि नहीं समझ में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में आपको नहीं आए दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका मिनी प्रोटेक्टर दोस्तों, तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, कल की क्लास में फिर मिलेंगे दोस्तों, आगे हम लेकर आएंगे दोस्तों सेट स्क्वायर, नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे दोस्तों सेट स्क्वायर को हम देखेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, यदि ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, और ज्यादा अच्छी लग रही हो दोस्तों तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहली बात आप सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों, साइड में बेल आइकन है दोस्तों उसे दबा, जिससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन, जो भी पढ़ाएंगे दोस्तों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम फिर नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, जय हिंद।